तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। तो हम तो आपको पता है डिवाइड करते नहीं, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल करके, तो इसमें भी वही करेंगे हम। तो आइए देखते हैं, पहला पार्ट 2/5 डिवाइड 1/2, सबसे इजी है। मैंने आपको बताया डिवाइड ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, कॉमन ले नहीं सकते। तो इस केस में क्या होता है, 2/5 1/2 है जो मतलब राइट साइड है, उसको कुछ नहीं आप उल्टा कर दीजिए, 2/1 हो गया रेसिप्रोकल। तो इस चक्कर में जो रेसिप्रोकल के वजह से जो डिवाइड है वो भी मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब आप सिंपली से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 एंड 5। यहाँ पे हम आंसर लिखते रहेंगे, आंसर फर्स्ट का आया 4/5, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन में और जल्दी समझ आएगा आपको। सेकंड पार्ट देखते हैं, दे रखा है 4/9 डिवाइड 2/3। कुछ नहीं, आप किसी को भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो आप इसी को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4/9 इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 3/2 एंड डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड मतलब काटेंगे तो सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, वो अलग बात है। आप ऐसे काट सकते हैं, वो भी अलग बात है। तो ऐसे काट देते हैं हम सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा मल्टीप्लाई में सिंपली कट जाता है जो भी है कटने वाला, 2 1 जा 2। तो ये हो गया हमारा 2 into 1 2 and 3 into 1 3। तो सेकेंड आंसर आया हमारा 2/3। जो कट रहा है उसे यहाँ से काट दीजिएगा, सिंपली फॉर्म में ला दीजिएगा, भले मल्टीप्लाई करने के बाद काटिए। एंड देखते हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है 3/7 डिवाइड 8/7। 3/7 एज इट इज डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, एंड 8/7 का रेसिप्रोकल 7/8। अब देखिए क्या कट रहा है, 7 7 से कट रहा है, तो आंसर आएगा 3/8। तो थर्ड का आंसर कितना है, 3/8। तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 2 1 3 डिवाइड 3/5। इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेन स्ट्रक्चर में प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं, 3 2 6 + 1 7/3 डिवाइड 3/5। ठीक है, अब देखो 7/3 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई 5/3। कुछ कहता है नहीं कहता है, 7/35/9। तो ये हो गया हमारे फोर्थ का आंसर, 35/9। तो इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमने दे रखा है 3/2 डिवाइड 8/3। तो इसे भी पहले हम प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं, 3 2 6 + 1 7/2 डिवाइड 8/3। ठीक है, अब देखिए 7/2 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, और 8/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/8। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई 7 21 8 2 16। तो फिर पार्ट का आंसर आया हमारा 21/16। तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, 2/5 डिवाइड 1 1/2। कुछ नहीं है, ये एज इट इज इसको कर देते हैं हम प्रॉपर फॉर्म में, 2 1 2 ये 1 यहाँ +1 3/2 एंड देन फिर रेसिप्रोकल करते हैं, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, 3/2 हो गया 2/3। अब कुछ कट रहा है नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 5 3 15। तो ये हो गया हमारे सिक्स पार्ट का आंसर, सिक्स पार्ट का आंसर हो गया हमारा कितना, 4/15। बहुत इजी है, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेवन पार्ट, 3/15 डिवाइड 1 2 3। इस केस में क्या है, दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो दोनों को हम पहले प्रॉपर में लाते हैं, 5 3 15 + 1 16/5 डिवाइड देन 3 यहाँ पे बनाते 3 3 + 2
5 अपॉन 3। अब रेसिप्रोकल करते हैं, इसीलिए को 16 अपॉन 5 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई 5 बाई 3 का हो गया 3 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 6 18 48 अपॉन 5 25। तो 7 का आंसर आ गया हमारा 48/25। तो इसे नोट कर लीजिए। एंड देन लास्ट पार्ट हमारा दिया था 8 पार्ट। 8 पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 2 1/5 एंड डिवाइड 1/5। तो इसे देखते हैं, 5 × 15 + 16/5 डिवाइड 5 × 5 + 1 6/5। अब देखिए जो गया 16/5 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई 6/5 का उल्टा हो गया 5/6। अब देखिए क्या बैठ रहा है, 5 5 से बैठ रहा है, 2 3 = 6 2 8 = 16। तो ये हो गया हमारा 8/3। तो 8 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 8/3। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट है, इसे नोट कर लीजिए।